गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ, चैप्टर टू, रोमन न्यूमरल्स, एक्सरसाइज वन टू एंड रिव्यू एक्सरसाइज, फुल चैप्टर वी हैव टू डू टुडे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज वन, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन रोमन न्यूमरल्स. आई हैव डन ओनली टू एग्जाम्पल, रेस्ट ऑफ ऑल यू विल डू योर सेल्फ. वॉट इज दिस? नाइन. How we will we write 9 in Roman numerals? We will write x, यानी कि 10. 10 में से 1 minus करेंगे हम. 10 में से 1 minus करेंगे तो आ जाएगा 9. ठीक है. उसके बाद 37. How we will write 37? First of all, we will write 3x, यानी कि 30. 10, 10, 10. 30 हो गई. उसके बाद 7 लिखने हैं, तो 7 लिखने के लिए हम 5 b के साथ में 2 और लगा देंगे, 2i लगा देंगे, यानी कि 7 हो गए. 10, 10, 10, 30, and this is 7, 37. Okay. Write each of the following in Hindu-Arabic numerals. Question 2 है हमारा, Hindu-Arabic numerals में लिखना है. What is this? This is V, V यानी कि 5, और इसमें I यानी कि 1 plus किया है, 5 और 1. जब right side में number होता है, मैंने अभी rules में आपको बताया था, कि जब right side में number होता है, तो वो बड़े वाले Roman numeral में add हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 6. इसको देखो, अब आप ये है L, किसके लिए स्टैंड करता है? 50. और ये X मैंने 10, और ये है 1. 50 और 10 कितने हो गए? 60. 60 में 1 प्लस किया, 61. एक्सरसाइज 2, सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 में है, बट थोड़े बिगर नंबर होंगे. ठीक है. राइट द फॉलोइंग इन रोमन न्यूमरल्स. रोमन न्यूमरल्स में लिखना है 95. अब 95 कैसे लिखा जाएगा हम देखेंगे. C का मतलब क्या होता है? 100. 100 में से हम 10 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 90. उसके बाद उसमें 5 हम प्लस करेंगे, यानी कि V हम प्लस कर देंगे. राइट साइड में जब हम लिखेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, और लेफ्ट साइड में लिखा हुआ नंबर माइनस हो जाता है. तो यहाँ C में से हमने X माइनस किया है, 100 में से 10 माइनस किया 90, और 5 उसमें प्लस कर दिया 95. 212, C और C 200 हो गए, और 12 लिखने के लिए हम X के साथ में दो बार I लगा देंगे, तो 12 हो जाएगा. 212, 579, D, 500 के लिए सिंबल होगा यूज D. उसके बाद में 70 लिखना है हमें, तो 50 के लिए L यूज करेंगे, फिर उसके बाद 10, 10, दो बार 10 करेंगे यूज, तो 70 आ जाएगा, और 9 के लिए हम X में से I माइनस कर देंगे. ठीक है, 9 हो जाएगा. तो ये हो गया 500, ये हो गए 70, और ये है 9. नेक्स्ट J, इसके मैंने A, D, H और J पार्ट करवाए हैं, बाकी आप खुद करेंगे. 1256, अब हम 1256 कैसे लिखेंगे? 1000 के लिए हम सिंबल यूज़ करेंगे M, 200 के लिए हम 2C यूज़ करेंगे, 200 हो गया. 50 के लिए हम सिंबल यूज़ करेंगे L, और 6 के लिए हम यूज़ करेंगे सिंबल V एंड I, यानी कि 6. तो 1256. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन टू, राइट द फॉलोइंग इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स. यहाँ पे भी हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में लिखना है, फर्स्ट एक्सरसाइज की तरह, लेकिन नंबर्स थोड़े बड़े होंगे. तो रीड दिस नंबर. एल मीन्स 50. 50 में से एक्स लेफ्ट साइड में लिखा है, तो 50 में से एक्स यानी कि 10 हम माइनस कर देंगे, तो बन गया 40, और ये 3 आई यानी कि 3, 43. तो नंबर क्या बनेगा? 43. यहाँ पे देखिए आप, C means 100, L means 50, 150, 50 में 10 और प्लस कर दो 60, और ये है 2, तो 162. नेक्स्ट G, C, C, 200, 50, 60, 70, 80 एंड ये 2, तो 282. ठीक है, ये बन गया नंबर 282. यहाँ पे अब देखिए J वाला, 500, फिर 200 और 2C है, तो 200 और हो गए, 500 और 200, 700. 700 में 50 और 10, 60, और ये 2, 762. ठीक है. नेक्स्ट रिव्यू एक्सरसाइज, राइट द इक्विवेलेंट. क्वेश्चन वन है, राइट द इक्विवेलेंट रोमन न्यूमरल. इसके इक्विवेलेंट रोमन न्यूमरल लिखना है. तो यहाँ पे ये सिंबल क्या स्टैंड, ए वाला देखिए किसके लिए स्टैंड करता है? एल, 50 के लिए, और ये क्या है? 9. 50 में से 9 गया तो क्या बचा? 41. तो हम 41 को रोमन न्यूमरल्स में लिखेंगे. 40 कैसे लिखा जाएगा?
एल में से एक्स माइनस कर देंगे, लेफ्ट साइड में हम एक्स लिखेंगे, 40 बन गया, और 1 साथ में लगा देंगे, 41। बी देखिए आप, ये भी 40 है, एल में से एक्स माइनस हुआ 40, और उसके साथ में 2 लगे 42। ये एक्स और एक्स 20, और ये है 9 29। 42 और 29 क्या होता है, 71। तो 71 कैसे लिखा जाएगा, 50L और 2X, यानी कि 70 हो गए, 50 60 70, और उसके साथ 1 लगा देंगे हम, I लगा देंगे तो 71 हो जाएगा। नेक्स्ट है M माइनस DXVI। M का मतलब 1000, D का मतलब 500, 10 और ये 6, 10 और 6 16, तो 516। 1000 में से 516 माइनस करेंगे तो आएगा 484। 484 कैसे लिखा जाएगा, D में से C माइनस कर देंगे हम, D के लेफ्ट साइड में C लिखेंगे, यानी कि माइनस हो गया, 500 में से C माइनस हो गया 400। अब हमें लिखना है 80, 50 के साथ 3x लगा देंगे तो ये बन गया 80, और फिर लिखना है 4, तो 484। मैच द फॉलोइंग, मैचिंग में आप राइट आंसर सामने लिखोगे, आप ये एरो लगा के मैचिंग नहीं करेंगे। 604 के सामने उसका राइट आंसर मैंने लिखा है, ये डी 500 और ये 100, सी मैंने 100, 600 और ये 4 हो गया। 118 लिखने के लिए हम 10 के साथ में 8 लिख देंगे, 18 हो गया। 202 तो 2 सी लिख देंगे, 200 और 2 लिखने के लिए हम लिख देंगे 11, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, सर्कल द इनकरेक्ट रोमन न्यूमरल। हमें इनकरेक्ट जो रोमन न्यूमरल है उनको गोला लगाना है, सर्कल करना है। वी वी वी, मैंने आपको बताया था, आपको जो एक्सप्लेनेशन वीडियो दिया था उसमें मैंने बताया था कि वी एल और डी कभी भी रिपीट नहीं होते हैं, तो यहाँ 3 बार रिपीट किया गया है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। एक्स 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 ये राइट है, ये भी राइट है, डी 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 ये फिर रॉन्ग है, क्योंकि वी एल और डी रिपीट नहीं होते हैं। L में से 1 माइनस नहीं हो सकता, इसलिए ये भी रॉन्ग है। वी वी आई ये भी रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ फिर V रिपीट हो रहा है। डी डी एक्स ये भी रॉन्ग है, यहाँ पे D रिपीट हो रहा है। और सी आई एक्स ये राइट है, ठीक है। एक आपकी एक्टिविटी है, राइट द रोमन न्यूमरल्स I टू C, यानी कि 1 टू 100 आपको रोमन काउंटिंग लिखनी है। दैट्स ऑल, चैप्टर 2 कम्प्लीट।